नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। यही कारण है कि लापरवाही बरतने पर सीधे कलेक्टर के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा शासन की लोक सेवा गारंटी योजना के दिशा निर्देशों का पालन न करना 5 अधिकारियों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने 5 अधिकारियों पर जुर्माना ठोक दिया है। श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि निर्धारित समय अवधि 7 कार्य दिवसों में प्रदान न करने पर 5 अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हुए 3 दिवस में अनुग्रह राशि का वितरण करने तथा जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, प्रदेश की सरकार द्वारा लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लोक सेवा गारंटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। देखा यह भी जा रहा है कि लोक सेवा गारंटी कानून के बावजूद हितग्राहियों को कई महीने तक दौड़ाया जाता है। खास तौर पर राजस्व विभाग में नामांतरण, सीमांकन जैसे मामलों के निराकरण के लिए 1 महीने से 3 महीने तक का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन विभागीय प्रमुखों द्वारा गारंटी कानून का पालन नहीं किया जाता, जिसको देखते हुए अधिकारियों द्वारा लोक सेवा में गारंटी में फेल अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। संबंधितों के खिलाफ जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के 12 प्रकरणों का समय अवधि में निराकरण नहीं किया गया। इनमें जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में जवा में 3, त्योंथर तथा सिरमौर में 1-1 और नगर परिषद गोविंदगढ़ में 1 प्रकरण समय सीमा में निराकृत नहीं हुआ है। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान पर 3,000, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा पर 1,500 जुर्माना लगाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा सिरमौर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोविंदगढ़ पर 500 का जुर्माना लगाया गया है। संबल योजना के प्रकरणों में लोक सेवा की गारंटी नियत समय पर न देने पर कलेक्टर ने कार्यवाही की है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन राजस्व विभाग की बात करें तो यहाँ वारिशाना के प्रकरणों को 1 महीने के बजाय साल भर लटकाया जाता है। यहाँ बिना सेवा शुल्क काम नहीं होता। अब देखना होगा कि इन मामलों पर कलेक्टर की दृष्टि कब पड़ेगी और इन पर जुर्माना कब ठोका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।